मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कर्मचारियों के साथ बैठक भी कर ली और हरियाणा प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग में नई बस सुविधा के लिए 800 कुछ बसों का बेड़ा बढ़ाने का भी फैसला लिया, जिसमें 400 बसें ऑलरेडी एक्विजिशन के प्रोसेस के अंदर। हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी गई है एक्सपेंशन की, और जब तक रनवे एक्सपेंशन नहीं होगी तब तक बड़ी फ्लाइटें इस एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकती, और जो लाइटें लगाने की व्यवस्था भी है वो भी एक्सपेंशन के बाद क्लियरेंस के बाद होगी। मेरा ये मानना है कि जब बैठक सीओ सीएस ने करी थी चंडीगढ़ के अंदर 31 मार्च का उसका टारगेट दिया गया था, और मेरा आंकलन जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, क्योंकि एक रजवाया भी रनवे के बीच में जाता है, उसको भी चेंज करने की व्यवस्था बना ली। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का एक वहाँ पर सेंटर था, उसको भी रीएलोकेट करने का प्रपोजल अप्रूव होकर मिनिस्टर से आ चुका है। शायद यहाँ जो लोग हैं उस सेंटर के अंदर उनको जल्द यहाँ से मूव कर उस बिल्डिंग को भी एक्वायर किया जाएगा। उसके साथ पावर यूटिलिटीज़ के अंदर जो चेंजेस थे जो एससी लेवल के थे उस पर ऑलरेडी काम कर चुका है। जो हाई टेंशन लाइंस जाएंगी जो फेज 3 एयरपोर्ट के लिए होगी, क्योंकि राजस्थान को वहाँ से बिजली जाती है, सरकार द्वारा उसका प्रिंसिपल अप्रूवल देकर भेजा गया।